उद्देश्य, आपके स्कूल के आसपास पाए जाने वाले पानी के स्रोतों में और उनके चारों ओर पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन करना और उनकी एक सूची बनाना जो इन जीवों के पोषण के तरीके के आधार पर अन्न श्रृंखला का स्पष्टीकरण दे सके। सामग्री, खाली कागज, पेन और पॉइंटर इत्यादि। स्पष्टीकरण, बच्चों इससे पहले के प्रयोग में हमने अन्न श्रृंखला का निरीक्षण भी किया है और उसके विषय में अध्ययन भी किया है। इसके साथ हमने पारिस्थितिकी तंत्र में इसके महत्व के बारे में भी जाना है, पर पारिस्थितिकी तंत्र में एक साथ एक से अधिक अन्न श्रृंखलाएं भी कार्यरत होती है। इसका अर्थ यह है कि अन्न श्रृंखला का जीव दूसरे अन्न श्रृंखला के जीव के साथ अंतरक्रिया कर सकता है। इसी कारण जीवों के लिए एक ज्यादा अन्न के स्रोत उपलब्ध हो सकते हैं। इससे अंतर प्रक्रियाओं से युक्त एक जटिल प्रकार के संजाल का निर्माण होता है जो अन्न के जाल को जन्म देता है। प्रक्रिया, बच्चों आपको यह प्रयोग गुट कार्य के रूप में करना है। गुट में अपने स्कूल के आसपास के परिसर का आप सर्वेक्षण करें और एक उचित जगह चुन लें। आपको किसी तालाब या पोखर का चुनाव करना होगा जिनमें जलीय पौधे और जीव पाए जाते हो। अब अपने शिक्षकों की मदद से तालाब में पाए जाने वाले इन पौधों और जीवों का ठीक तरह से आपको निरीक्षण करना है। फिर आप उनके नाम अपनी कॉपी में लिख लें। कक्षा में लौटकर आने के बाद आपको उनके पोषण के तरीके के आधार पर अन्न श्रृंखला या अन्न संजाल बनाना है। इस अन्न श्रृंखला या संजालों को अपनी प्रयोग पुस्तिका में आपको लगाना होगा। निरीक्षण, तालाब में पाए जाने वाले जीवों की सूची। यहाँ पर सूची एक उदाहरण के रूप में आपको दी गई है ताकि छात्र संकल्पना और उनका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से करना है यह समझ सके। यह सूची स्थान के अनुसार भी बदल सकती है। काई, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, कीड़े, टेडपोल, जलीय घास, घोंघे, मेंढक, बतख, सांप इत्यादि। निष्कर्ष, अन्न श्रृंखला। जीव एक दूसरे पर अन्न और ऊर्जा के लिए निर्भर होते हैं जिससे अन्न श्रृंखला का निर्माण होता है। अन्न संजाल, अन्न श्रृंखलाएं अंतर संबंधित होती है। इनसे एक जटिल संजाल का निर्माण होता है जिसे अन्न संजाल कहा जाता है। अन्न संजाल जीव के लिए एक से अधिक अन्न के पर्याय निर्माण करते हैं। इससे जीवों की संख्या पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है। इस प्रकार अन्न संजाल पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखता है।